बीकानेर का पूरे स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि इंडिया लेवल पर नाम कमा और वो है इन डायरेक्टर्स का जो बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग तो गुरु जन बैठे हैं जिनके बच्चे रोजाना प्रशंसा करते हैं, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आता आपके सबके नाम कितने याद हमारे लिए ये पढ़ाया वो पढ़ाया। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैं टीचर्स टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक ही शुभकामना है कि भीड़ जो होती है वो हमेशा निचले लेवल पे होती है, ये याद रखें। जैसे जैसे एक एक नंबर आप डाउन आते जाते हैं वहाँ भीड़ इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाती है। पिरामिड देखो आपका पिरामिड, जब आप पिरामिड के टॉप पर चले जाते हो तो दुनिया खाली नजर आती है और उससे जैसे जैसे नीचे आते हो तो बिल्कुल सफलता उसी दौर में चलती है उसी सिस्टम के अंदर। अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो वहां ऊपर जाने के बाद आपके पास कंपटीशन है ही नहीं। मैंने खुद खूब कंपटीशन किए तब जाकर के यहां तक पहुंचे और खुद पहुंचना वो इतना मायने नहीं रखता जितना बच्चों को पहुंचाना उनको सक्सेस करना। आज आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किन लोगों के सानिध्य में बैठे हो और आपका भविष्य कितना उज्ज्वल है। 95 में मैंने भी उस वक्त आरपीएम के नाम से हुआ करता था, मेरा एक सपना जैसे अपने धीरू भाई अंबानी ने देखा था, मेरा एक सपना था। वो सपना मेरा मैं तो पूरा नहीं कर पाया उस वक्त की स्थिति अलग थी। मैं हालांकि कैम्ब्रिज भी गया था उस वक्त कैम्ब्रिज अपने दिमाग करने के चक्कर में राकेश शर्मा सर उसके वो डायरेक्टर थे, लेकिन ये कैम्ब्रिज एलन या जो भी इंस्टीट्यूट है उनसे कई गुना बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिला है अपने लोगों को सिंथेसिस के रूप में। ये सबका सौभाग्य है आप लोगों को, न केवल आपको जो भी अच्छे पढ़ रहे बल्कि आपके भाई बहन और आपके परिवार के बच्चे प्लस आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उनको भी आप मोटिवेट करिए। आप चाहें तो सिंथेसिस के सारे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको अभी यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको भावे से कहता हूं कि संजना को कोई कोई एम्स मिलेगा और वो इनके आशीर्वाद से मिला है। देखो मैं इसका कारण बताता हूं आपको, कैसे आदमी का सिर्फ सेंस काम करता है। एक घटना हुई थी छोटी सी, वायु की जब उसका एग्जाम था उस दिन 17 जुलाई को, तो केवी में उसका सेंटर था लोअर कॉलेज के सामने वाले और श्वेत सर वहां आगे खड़े थे और संजना जो है स्थिति वो अंदर पेपर देने के लिए जा चुकी थी। तो वो कोई अपना छोटा मोटा सामान था वो भूल गई मेरे पास। मैंने सर को कहा भी, मैंने कहा वो सामान भूल गई है और अब बाकी सारे बच्चे आ गए सर, वो तो आपका आशीर्वाद लेके जाए बैग चुन चुन के जाए वो ले नहीं पाई। अगर वो आ गई ना तो उसका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने सर उस वक्त कहा। और देखो आप संयोग की बात, वो अंदर गई भी कम से कम आधे पौन घंटे बाद में बाहर आई। बाहर आई तो मैं सर के पास खड़ा था, उसने सर के बैग चुके वो बैग चुके रवाना ही, मैंने सर को कहा कि सर इसका सिलेक्शन होती है ना तो सारी चीजें आपके पक्ष में चलना शुरू हो जाती है अपने आप, अपने आप संयोग बनते चले जाते। तो ये संयोग है। अब ये संयोग कैसे बना एक और बताता हूँ मैं आपको। जब वो 5-4 दिन से लगातार कंटिन्यू पढ़ रही है बच्चे लगता थे आप लोग पढ़ते होंगे पता है वो जन है आपके टेस्ट जो मैं आपको कहता हूँ कि जो सर आपके टेस्ट देते हैं वो उस नीट से भी ज्यादा आप लोगों को तैयारी का आपको देते हैं। नीट तो एकदम इजी इजी होता है एकदम, ये मानते थे मगर आपने ये जो इन टेस्ट लोग आपको ऊपर देंगे तो नीट में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं पहुंच सकता। तो उसके क्या है कि 585 590 उसे कभी क्रॉस ही नहीं करता था। मैं जेट मदद से भी मिला फिर सबसे मैं मिल नहीं मैंने मनोज हो जाता था खूब मिलता था कि मेरे को मोटिवेट करते मैं उनको जाके मोटिवेट करते। अब आज जो मेरी न्यूज के 500 पेजेस बन रहे थे और मैं एक दिन क्या जेट मदद से मीटिंग कर तो जेट मदद ने कहा कि वो आपकी ऊपर है अंदर आपकी शक्ति है और देखो ये 10-15 दिन का उसके पास टाइम है होता क्या है हम देखते हैं। मैंने उसको ये बात बताई लेकिन उसका क्या उसी टाइम में आस पास रिजल्ट आया था ट्वेल्थ का भी, तो ट्वेल्थ में उसके अच्छे गुण बने थे। मैंने उसको एक ही बात की कि ट्वेल्थ में तेरे से कितने बच्चे ऊपर हैं, उसने कहा एक या दो, तो मैंने कहा नीट में भी इतने ही ऊपर रहे कारण था आपका जो ना भी सबने कहा ना कि आप जो ना बहुत कॉन्फिडेंस है ना वो डिप्रेशन से ज्यादा बेहतर होता है।
भी सुने और उस वक्त आज इस उम्र में तो हमें आपको की बहुत जरूरत पड़ेगी तो हमें याद भी रखना क्या और सिंथेसिस परिवार को भी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह खुले खुले बीकानेर की सेवा करें। बीकानेर की आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बीकानेर इंस्टीट्यूट से जब डॉक्टर निकलते हैं पूरे देश में जगह जगह मैं चेन्नई गया था वहां पर भी मेरे को एक बच्चा मिला था बड़ा गर्व होता है तो हमें गर्व होगा और हमारे बच्चे जिनको सीखकर जयपुर या कोटा या कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है आपके अच्छे प्रोफेसर के साथ में अच्छे नागरिक और अच्छे डॉक्टर भी है। थैंक यू।